हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं। द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्रामर, मैंने ये नाम द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्रामर इसलिए दिया है क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अब तक डिलीवर नहीं की गई होंगी, जो आज की इस क्लास में डिलीवर की जाएंगी। क्लास को आप स्टार्ट कीजिए, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्ले लिस्ट में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की 3 क्लासेज हैं, आप उन्हें कवर कीजिए, उसके बाद ही इस क्लास में आइए, तभी आपको इस क्लास का पूरा मज़ा मिलने वाला है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकेंड पार्ट है। आप ऐसे कह सकते हो कि वो जो 3 क्लासेस हैं वो फर्स्ट पार्ट था, पहला भाग था, किसी मूवी का पहला भाग था, और ये इसका सेकेंड पार्ट है, दूसरा भाग है। तो इस क्लास को करने से पहले आप उस क्लास को जरूर कवर कीजिए, वो प्लेलिस्ट में जो 3 क्लासेस हैं उसको कवर कीजिए और फिर इस क्लास में आइए। क्या है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और वो हम आज डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू समझते चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको इस क्लास के बाद। क्लास थोड़ी लंबी होगी, बीच में कहीं आपको लगेगा कि यार मैं क्यों इस क्लास को देख रहा हूँ, मुझे तो ये आता है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी क्लास में 1 मिनट भी मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास को आखिरी तक देखिएगा और फिर कॉमेंट बॉक्स में अपने जो भी अच्छे विचार होंगे वो जरूर बताइएगा कि क्या सचमुच ये इतनी वर्थ है जितना मैं समझ रहा हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी इमेजिन किया है, काफ़ी सोचा है, काफ़ी टाइम लिया है इस क्लास को बनाने में, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप चाहे क्लास 6 में पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 12 में, और चाहे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हर जगह पर ये क्लास इतनी मतलब वर्थ है, इतना ज़्यादा काम आने वाला है। कितना ये आप बताओगे, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, अगर PDF की बात करें तो वो टेलीग्राम चैनल डीन सर एकेडमी, ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा PDF डीन सर एकेडमी, ये आपको PDF मिल जाएगा इस पूरे क्लास की। और ये YouTube चैनल डीन सर द एजुकेटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी को मतलब जब भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो कभी इस बात पे जोर ही नहीं दिया जाता है कि वो वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है और क्यों ये जरूरी है कि उस वर्ड का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझें। तो वो आज की क्लास में आपको मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बस चुपचाप सुनते रहिएगा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जो भी लगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 घंटा मुझे दीजिए, जिंदगी के कई घंटे आपके मैं बचा दूंगा। आइए, पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ, पहला सेंटेंस ही इज अ बॉय, तो बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। हमको पता है ही क्या है, प्रोनाउन है। ये बात मैं इतनी आसानी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले की जो 3 क्लासेस हुई हैं उसमें कुछ बातें मैंने बता रखी हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इज क्या है, मेन वर्ब है। कैसे मैंने कह दिया इज मेन वर्ब है, क्योंकि हमें पता है कि जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर्ब बीन बीन, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हर तरह से काम करती है, ठीक है, बीन और बीन ये बी की फॉर्म होती है। तो इज यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, और ये क्या है, ये हमारा आर्टिकल है, और अगर कहीं सेंटेंस में आर्टिकल है तो पक्की बात है कि आगे नाउन होगा। तो यहाँ पे तो बॉय लिखा था, आपको पता है बॉय नाउन है। आगे आने वाले टाइम में जब भी आप कभी इंग्लिश पढ़ रहे होगे, कहीं लिटरेचर, कहीं कुछ चीजें पढ़ रहे होगे, कहीं कोई रीडिंग कर रहे होगे, और अगर आर्टिकल दिखे तो ये बात तय कर लेना आगे जो भी शब्द लिखा है वो नाउन ही होगा। ठीक, आगे और समझते हैं। ही अगेन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर चाहो तो आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एक बार, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। इस क्या है, अगेन मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब नहीं है। बहुत आराम आराम से क्लास उठेगी, बस बैठे रहिएगा। ए क्या है, आर्टिकल है, तो क्या आर्टिकल के बाद तुरंत नाउन आ गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड होगा कि आर्टिकल के बाद तो नाउन होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बीच में कहीं एडजेक्टिव लगा हो, तो ये आर्टिकल तो इस नाउन के लिए है, लेकिन कैसा लड़का, गुड लड़का, तो गुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। फिर एक थर्ड सेंटेंस हमने देखा जो कि लिखा गया है ही इज अ वेरी गुड बॉय, अब क्या हो गया, अगेन ही क्या है, तो सर ही प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इज क्या है, मैं कहूंगा सर मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब नहीं है। अगेन ए आया, तो सर ए तो आर्टिकल हो गया, अगर ए आर्टिकल हुआ तो पक्का आगे नाउन आएगा, ठीक है सर, बॉय को मैं नाउन कह देता हूँ। अगर मैं वेरी को नाउन कह दूंगा तो गुड और बॉय को मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, और ये बात धीरे धीरे आपको बिल्ड करनी होगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो सर आपने वेरी को ही क्यों नहीं कह दिया, ये आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा, बॉय नाउन होता है, और ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलते जाएंगे, आप समझते जाओगे। तो कैसा लड़का, गुड, क्वालिटी बता रहा है तो गुड एडजेक्टिव हो जाएगा,
कितना अच्छा, बहुत अच्छा, तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो ये वेरी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, अब इन तीन सेंटेंसेस से आपको ये बात पता चल चुकी है कि अगर आर्टिकल है तो पक्का आगे नाउन होगा। ऐसा हो सकता है कि उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आ जाए और फिर वो नाउन है, या फिर अगर आर्टिकल है तो आगे उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ जाए और फिर नाउन है। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। हाँ, उस नाउन को डिफाइन करने के लिए बीच में एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए बीच में एडवर्ब। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझना होगा। आगे चलते हैं इसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब मैंने क्या लिख दिया, अभी मैंने बताया था कि इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे देखिए मैं क्या फिर बता रहा हूं, ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, इज मेन वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है तो इज एम आर ही मेन वर्ब का काम करेंगे। यहां पे हमें पता चल गया कि सर प्लेइंग मेन वर्ब है, प्ले प्लेड प्लेड, तो ये फॉर्म होती है, तो ये तो मेन वर्ब हो गया, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन। और अगर सेंटेंस में कहीं प्रीपोजिशन आ जाए तो बस ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाला है क्या, नाउन या प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में कहीं प्रीपोजिशन आ जाए तो कंफर्म है कि आगे क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। ये अलग बात है कि उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई डिटर्मिनर या एडजेक्टिव आ जाए, वो अलग बात है। तो इन प्रीपोजिशन है तो पक्का फील्ड क्या हो जाएगा, नाउन, और द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल आया तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। क्लियर हो गया। अगेन, इट इज अ मार्वेलस साइट, तो इट क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। कैसे पता, सर कोई मेन वर्ब है नहीं, ए आर्टिकल है। अब ए आर्टिकल आ गया तो वो स्ट्रक्चर भी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल है तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। साइट, कैसा साइट, मार्वेलस साइट, तो मार्वेलस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ओ यूएस लगा हो तो वो पक्का एडजेक्टिव ही होगा, जिसे यहां लिखा है मार्वेलस, है ना, मिस्टीरियस, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड बन जाएंगे। तो इट इज अ मार्वेलस साइट, तो आर्टिकल है तो पक्का ही नाउन होगा, इज यहां पे मेन वर्ब होगा और इट यहां पे प्रोनाउन होगा। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है, आगे के सेंटेंसेस समझते हैं। बहुत बहुत धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत पेशेंस बनाए रखिएगा, फिर आपको इस क्लास का मजा मिलने वाला है। देखिए, इट इज आवर एनिवर्सरी, बहुत बार बच्चे लिखते समय ऐसा करते हैं कि इस इट इज को ऐसे भी लिख देते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के। अगेन इस बार मैंने इट प्रोनाउन है और इज मेन वर्ब है, इसमें दोनों है, इट प्रोनाउन है और जो इज है वो मेन वर्ब है, ये दोनों बातें इसमें छिपी हुई है। ठीक, आवर क्या है, आवर को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर कहीं सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन, तो एनिवर्सरी क्या हो जाएगा, नाउन। अब एक छोटी सी बात फिर से बता देता हूं, ये जो मैंने लिखा पजेसिव एडजेक्टिव, तो आपको ध्यान रखना है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, इतने होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर ये सेंटेंस में आ जाएंगे तो कंफर्म आगे क्या आएगा, नाउन। ये बहुत न्यू की ईट है ये क्लास आपके लिए न्यू की ईट साबित होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो इट इज आवर एनिवर्सरी, आवर पजेसिव एडजेक्टिव, तो एनिवर्सरी क्या हो जाएगा, नाउन। आगे बढ़ते हैं, द डॉग हैज हर्ट इट्स पॉ। अब ये बात मैंने इसलिए समझाई यहां पे कि इस वाले इट्स में और इस वाले इट्स में अंतर होता है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप इस वाले इट्स को और इस वाले इट्स को एक ही समझ लो। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर कहीं बीच में पजेसिव एडजेक्टिव आता है सेंटेंस में तो आगे पक्का क्या आएगा, नाउन। अगर मैं कहता आप पॉ का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ तो आपको नहीं पता है पॉ क्या होता है, लेकिन अब पता है कि पॉ क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव। सर द आर्टिकल है तो पक्का आगे नाउन आएगा, सर डॉग नाउन हो जाएगा, हैज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हर्ट ये थर्ड फॉर्म में है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है और पॉ जो है वो नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, सी हैज ब्रोकन हर लेग। अब ये सेंटेंस क्यों लिखा, देखिए इसको क्यों लिखा, सी क्या है, प्रोनाउन है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की, हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, हिज और हर, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन, तो लेग क्या हो जाएगा, नाउन। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज नो फायर इन द ग्रेट। अब की बार ये जो देयर लिखा है, आगे किसी क्लास में और अच्छे से समझेंगे इट और देयर को, लेकिन यहां पे बताता हूं कि देयर जो है वो इंट्रोडक्शन कराने वाला एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको कहा जाता है। और जब भी देयर लिखा जाएगा तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी उस वर्ब के बाद आने वाली नाउन पे डिपेंड करती है। तो ये जो देयर है ना, इसको आप कह सकते हो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, है ना। वैसे ये काम क्या करता है, एडवर्ब का सेंटेंस में, ठीक है। यहां पे इसको आप कहोगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्यों मेन वर्ब, सर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है ही नहीं, ठीक। और ये जो मेन वर्ब होगा इस फायर नाउन के हिसाब से लगेगा। फायर यहां पे क्या है, नाउन। अगर मैं फायर लगा दूं तो फायर वर्ब हो जाएगा, लेकिन जब आप बोलते हो कि फायर है अपुन, फायर है अपुन, तो उस समय फायर क्या है, नाउन। तो यहां पे फायर नाउन है, तो नो क्या हो जाएगा, नो फायर के लिए लगा है, तो एक टर्म होता है डिटर्मिनर। आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है डिटर्मिनर, तो नो हो जाएगा डिटर्मिनर। अब आपको सर डिटर्मिनर क्या होता है थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, तो वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। ये क्लास आपकी केवल बिल्डिंग्स जो बनेगी उनका बेस तैयार किया जा रहा है। तो आप अभी मान लीजिए कि ये डिटर्मिनर है, और कुछ चीजें इतनी बार रिपीट होंगी, सर इन क्या है, प्रीपोजिशन, तो पक्का क्या आएगा, नाउन। द क्या है, आर्टिकल, सर आ गया नाउन। और अभी आपने कहा था प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, आ गया। अब ये देयर क्यों लिखा, एक बार देयर ये अलग है, ये वाला देयर अलग है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो देयर है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है THEIR वाला, और जो THEIR है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और अगर बाद में आया तो वो एडवर्ब का काम करता है। जब आप बोलते हो ही गोज देयर, है ना, उस तरह से। तो देयर फ्रेंडशिप, देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। तो फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा, नाउन। ब्लॉसम्ड मेन वर्ब हो जाएगा, थर्ड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ, सेकंड फॉर्म सॉरी। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होने पे वो सेकंड फॉर्म होती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। तो ये V2 है। इनटू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो उसके बाद पक्का क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो लव क्या हो जाएगा, नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं आई लव यू तो लव क्या हो जाएगा, वर्ब। लेकिन यहां पे क्या है, लव, नाउन। अगेन देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्योंकि ये कौन सा वाला है, THEIR वाला है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और फिर बता देता हूं कि जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आप देयर यूज करोगे तो उसके बाद आने वाली वर्ब उस वर्ब के बाद आने वाली नाउन पे डिपेंड करता है। देयर इज अ बॉय इन द क्लास, देयर आर टू बॉयज इन द क्लास, तो देयर आर टू बॉयज, बॉयज क्या हो जाएगा, नाउन। और इसी नाउन के हिसाब से इस वर्ब को रखा जाएगा। टू इसको बताने वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव इसको कहा जाएगा। इन क्या है, सर प्रीपोजिशन, तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। द क्या है, आर्टिकल, तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। और वैसे भी सर आपने बताया था प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यू कैन नॉट ओपन द डोर। देखो यू क्या है, सर प्रोनाउन। कैन क्या है, मॉडल। अब ये ध्यान रखिएगा, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज, नीड, डेयर, विल, शैल, ये सब मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा प्योर फॉर्म यूज किया जाती है। तो ओपन यहाँ पे हो जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्योर फॉर्म। द क्या है, आर्टिकल, तो पक्का आगे डोर क्या हो जाएगा, नाउन। फिर फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन। तो अगर कहीं सेंटेंस में प्रीपोजिशन, देखिए इतनी बार बोलूंगा ना आप खुद भी रिपीट करने लगोगे, अगर कहीं प्रीपोजिशन आ रहा है तो पक्का आगे नाउन या प्रोनाउन आएगा। आउटसाइड क्या है, नाउन। और वैसे भी द क्या है, आर्टिकल, तो आर्टिकल आएगा तो आगे नाउन। और जब भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ये समझ लीजिए वो प्रीपोजिशन के लिए आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस द क्या है, आर्टिकल। आउटसाइड क्या हो जाएगा, नाउन। नहीं, अब गलत हो जाएगा, क्योंकि द आर्टिकल है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नाउन, और कैसी वर्ड्स, आउटसाइड वाली वर्ड्स, तो अब की बार ये आउटसाइड एडजेक्टिव है। इन सेंटेंसेस की हेल्प से मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि यही आउटसाइड यहां पे नाउन था और यही आउटसाइड यहां पे एडजेक्टिव हो गया। आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्यों मेन वर्ब, सर डैम्प कोई वर्ब थोड़ी है। हाँ, डैम्प से बनने वाला वर्ब डैम्पेन होता है, डैम्पेन करना किसी को, डैम्पेन करना, ठीक है। हार्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन हार्ड से बनने वाला वर्ड होता है हार्डेन। सॉफ्ट एडजेक्टिव होता है, सॉफ्ट से बनने वाला वर्ड होता है सॉफ्टेन, ठीक है, ऐसे करके। तो डैम्प हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब।
जब किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो इज एम आर और वॉज वर ही मेन वर्ब का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड ऑफ द हाउस, यू क्या हो जाएगा प्रोनाउन, कैन क्या हो जाएगा मॉडल, तो पक्का पार्क क्या हो जाएगा नाउन, सॉरी मॉडल है तो क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जिसको आप कह सकते हो प्योर फॉर्म। देखो तो ये हो गया मॉडल और पार्क हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं यही लिखता ही इज इन द पार्क तो इन प्रपोजिशन होता और पार्क क्या हो जाता नाउन हो जाता। योर कार, योर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो पक्का कार क्या हो जाएगा नाउन। आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो कार लिखा हुआ है तो ऐसे ही मुझे पता चल रहा था नाउन है, ये हेल्प आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। ये हेल्प मिलने वाला है आपको आगे जब आप कहीं कुछ रीडिंग करोगे और योर के बाद कोई ऐसा वर्ड लिखा होगा जो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये नाउन है कि क्या है, उस समय काम आएगा कि अरे मैंने तो पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव है तो अगला वर्ड पक्का नाउन होगा। योर कार आउटसाइड आवर हाउस, तो अब की बार ये जो आउटसाइड है ये प्रीपोजिशन है, आवर अगेन पजेसिव एडजेक्टिव है और अभी बताया था पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा नाउन, एक और बात बताई थी प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा नाउन या प्रोनाउन। इन तीन सेंटेंसेस में जो अभी ये तीन सेंटेंसेस मैंने कराया आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक बार आउटसाइड नाउन हो गया, एक बार आउटसाइड एडजेक्टिव हो गया और एक बार आउटसाइड प्रीपोजिशन हो गया। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि एक ही समय पे वर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो सर, द क्या है आर्टिकल, तो ट्री क्या हो जाएगा नाउन, फॉरगॉट सर ये तो मेन वर्ब हो जाएगा पक्का। अच्छा अभी ब्लॉसम बताया था ना ईडी लगा के, ब्लॉसम वर्ब है तो ब्लॉसम वर्ब तो है लेकिन यहां पे वर्ब नहीं है। जब भी कभी टू के साथ वी वन आए, टू के साथ वी वन आए तो सर इसका एक नया नाम ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं इंफिनिटिव। ये टू प्रेपोजिशन नहीं होती है, टू प्लस वी वन में, टू प्लस वी वन में अगर आप टू को प्रीपोजिशन कह रहे हो तो ये आपकी भूल है। टू प्लस वी वन में अगर टू को प्रेपोजिशन कह रहे हो तो ये आपकी भूल है, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। तो यहां पे मैंने समझा दिया, अगेन द क्या है आर्टिकल, ट्रीज क्या हो जाएगा नाउन, आर कवर्ड, अभी देखने में लग रहा होगा कि कवर्ड वर्ब है बट एक बार सेंटेंस पढ़ के देखिए कि क्या आप ये कहना चाह रहे हो पेड़ को ढका जाता है या ये कहना चाह रहे हो पेड़ ढके हुए हैं। अब मैं आपको यहां पे बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। द ट्रीज आर कवर्ड, जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो क्या आप बोलना चाह रहे हो कि पेड़ को ढका जाता है या पेड़ ढके हुए हैं? तो आपको सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेड़ जो है सफेद फूलों से ढके हुए हैं, ढका नहीं जाता, मैं पेड़ को जाके सफेद फूलों से ढकूंगा नहीं। तो अगर ढके हुए हैं, अगर ये स्टेट बता रहे हो तो कवर्ड यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा, आर यहां पे मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक, विथ प्रीपोजिशन है तो पक्का आगे नाम आएगा ब्लॉसम नाउन हो जाएगा। अभी ब्लॉसम वर्ब था, इससे पहले मेन वर्ब था, यहां पे इंफिनिटिव था और अब यहां पे यही ब्लॉसम नाउन हो गया और तब इसका मतलब फ्लावर होता है, बहुत सारे फूल खिले हुए थे, कैसे फूल सफेद, सफेद फूल तो व्हाइट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। अब आप कहोगे सर कवर का मतलब तो कवर करना भी होता है, बिल्कुल होता है, अगर मैं कोई चीज ढकने की बात कर रहा हूं तब तो वो कवर कवर करना हो गया, लेकिन अगर उस कवर की थर्ड फॉर्म को मैं उस स्टेट बताने के लिए यूज कर रहा हूं तो वो एडजेक्टिव है। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी तो उसे जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं कि अभी सारी बात समझ में आ जाए, जरूरी ये है कि कोई आपको ये बात समझाने की कोशिश करे कि ऐसा भी कुछ होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो, सी कवर्ड हर फेस विथ हर हैंड, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सर सी क्या है प्रोनाउन, अब की बार मैं कवर करने की बात कर रहा हूं कि उसने अपना चेहरा ढक लिया, तो अब की बार कवर्ड क्या है मेन वर्ब, हर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, तो पक्का आगे क्या हो जाएगा नाउन, तो फेस क्या हो जाएगा नाउन। आपको कोई सेंस में अजीब बात क्या होगी, अरे भाई फेस को वर्ब भी बना सकते हैं, आई कैन फेस यू, आई कैन फेस यू तो कैन मॉडल है, फेस वर्ब हो जाएगा तो फेस नाउन हो गया। विथ क्या है प्रीपोजिशन, पक्का आगे नाउन आएगा, हर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, तो हैंड्स क्या हो जाएगा नाउन, और मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो नाउन आया हुआ है। द वॉल्स वर कवर्ड विथ पिक्चर्स, अब आपको परेशान करने वाली चीज है, द क्या है आर्टिकल, वॉल्स क्या हो जाएगा नाउन, अब देखो यहां आप परेशान हो जाओगे, पहले इसको कर लेते हैं, विथ क्या है प्रीपोजिशन और पिक्चर्स क्या है नाउन,
और सर ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, प्रोनाउन आते हैं, ये बात क्लियर रखना है। बार बार नाउन ही आ रहा है, कभी भी प्रोनाउन आ जाएगा। दीवाल कवर थे या दीवाल कवर किए जाते हैं, तो यहां देखोगे तो यहां दोनों मीनिंग निकल जाएगी। तो आप ये दोनों कह सकते हो कि सर ये वर हेल्पिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं और कवर को मेन वर्ब, इसी वर्ब को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं और कवर्ड को एडजेक्टिव। ऐसा होता है, ऐसा इंग्लिश में होता है जब एक ही सेंटेंस से दो मीनिंग कन्वे हो जाती है। यहां ऐसा नहीं था, द ट्रीज आर कवर्ड, तब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पेड़ जो है सफेद फूलों से कवर है, ना कि पेड़ को सफेद फूलों से कवर किया जाता है। लेकिन मैं ये बात कह के अपनी दोनों मीनिंग जस्टिफाई कर सकता हूं कि दीवार को पिक्चर से कवर किया गया था और दीवार पिक्चर से कवर थे, दोनों में बस कहने का तरीका बदल गया है, मीनिंग एक ही है, कवर किया गया था और कवर थे, ठीक है। तो यहां पे तो दोनों बात हो जाएगी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो इन तीनों सेंटेंसेस से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो कवर है ये वर्ब होता है, तो कवर कर लिया, जैसे चेहरा कवर कर लिया ढकने के सेंस में। लेकिन कवर की जो थर्ड फॉर्म है, ऐसा आपको और भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मिलेगा, जब स्टेट बताएगा, अवस्था बताएगा, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, लेकिन जब कोई एक्शन हो रहा होगा तो वो वर्ब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। थोड़ी क्लास लंबी होगी, बट पूरी क्लास आप बस सुनते जाओ, इट विल टेक योर टाइम बट इट विल सेव योर टाइम। शी वॉक्स रियली फास्ट, सर सी क्या है, प्रोनाउन है, वॉक्स क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। चलती है, कैसे चलती है, फास्ट चलती है। चलना शब्द वर्ब है, अगर वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। कितना फास्ट चलती है, बहुत फास्ट चलती है, एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के बारे में भी बताता है। सी क्या है, सर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इच क्या हो जाएगा, सर मेन वर्ब हो जाएगा, क्यों मेन वर्ब हो जाएगा, कोई मेन वर्ब है नहीं सर, तो यही मेन वर्ब होगा, सही बात है। ए क्या है, आर्टिकल है सर, तो रनर क्या हो जाएगा, सर नाउन हो जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आर्टिकल है तो आगे नाउन आएगा। तो फास्ट क्या हो जाएगा, सर फास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं पूछूंगा बेटा इसको एडवर्ब के लिए बोला, तो आप कहोगे सर ये जरूरी नहीं है कि फास्ट एक जगह एडवर्ब हो तो हर जगह एडवर्ब हो जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि फास्ट एक जगह एडजेक्टिव हो तो हर जगह एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तो उस सेंटेंस में उस वर्ड के यूज पे डिपेंड करता है कि वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। यहां पे फास्ट एडवर्ब इसलिए था क्योंकि ये वॉक्स के बारे में बता रहा था, सी के बारे में थोड़ी बता रहा था, सी थोड़ी फास्ट थी, सी थोड़ी फास्ट है, सी वॉक्स फास्ट है, वो तेज चलती है, सी थोड़ी तेज है, सी चलती तेज है। तो चलना शब्द वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो ये बता ही रहा है कि वो रनर है, कैसा रनर, फास्ट रनर, तो रनर नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव, वैसे भी ये आर्टिकल है तो पक्का आगे नाउन आएगा, और नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। नाउ अगेन देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड यू विल बी अमेज्ड। ही क्या है, सर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कितनी बार बताऊं सर। नेल्ट क्या है, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सर बिफोर क्या है, सर बिफोर प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद चाइल्ड क्या हो जाएगा, नाउन। द क्या है, वैसे भी आर्टिकल है जो पक्का आगे नाउन आएगा, ऐसा चाइल्ड लिटिल चाइल्ड, तो लिटिल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सर इस सेंटेंस में कुछ भी तो अजीब नहीं था, ऐसा तो आप बहुत बार बता चुके हो, ठीक है बताता हूँ एक और चीज। द क्या है, आर्टिकल, पेशेंट क्या है, नाउन, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे कोई नाउन प्रोनाउन आया है, हाँ सर डॉक्टर नाउन आया है, तो ये केम क्या हो जाएगा, अब तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन प्रोनाउन चाहिए, फिर नाउन के बाद ये वर्ब आया तो ये किसके लिए। फिर जब प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है, थोड़ा टाइम देना, अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो केम किस काम का, किसी काम का नहीं। आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि यही बिफोर इस वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन था, लेकिन यही बिफोर बेटा इस वाले सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा। ऐसा इसलिए हो पाया, अरे भैया आ जाओ यार, थैंक यू। चलो, तो यही बिफोर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का काम करेगा। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि द डॉक्टर आपका फिर से द आर्टिकल है, डॉक्टर नाउन है, और केम वर्ब है। अब की बार ये डॉक्टर इस केम के लिए लगाया गया,
इधर अपने आप में एक सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड, अपने आप में एक सेंटेंस है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि पेशेंट मर चुका था। डॉक्टर आया, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। दो चीजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है पूरी सीरीज में। पहली बार कंजंक्शन मिला आपको तो ये बिफोर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बताना था आपको कि बिफोर एक जगह पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और एक जगह पे बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, दिख रहा है ना पूरा सब कुछ? हाँ क्लियर है। आ जाओ, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम क्या हो जाएगा, नाउन। ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। पक्का प्रेस क्या हो जाएगा, नाउन। इज क्या हो जाएगा, सर मेन वर्ब हो जाएगा। कैसे पता चला? सर कोई भी मेन वर्ब नहीं दिख रहा मुझे, कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ दिख नहीं रहा है, और वैसे भी वेरी लगा है तो पक्का इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, नाउन। नाउन के बारे में बताएगा तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इन क्या है, प्रीपोजिशन, तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, नाउन। ए क्या है, आर्टिकल, तो पक्का आगे क्या आएगा, नाउन। बट इट इज अब्यूज्ड मेनी टाइम्स। अभी जो लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ा था, एक बार फिर से वैसा ही कुछ है। एक सेंटेंस यहाँ पे है जिसको आप क्लॉज बोलोगे, क्योंकि ये सेंटेंस का भाग है। सर क्लॉज क्या है, सर अचानक से आपने क्लॉज बोल के मुझे सर धक्का दे दिया। नहीं, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई सेंटेंस है तो उसको क्लॉज कहा जाता है। सर ने सिर्फ इतना ही बताया, मैं इतना ही मान के चलता हूँ अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाना है, शब्दों के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और इसकी तीन चार क्लास करा दूंगा आपको आने वाले समय में, ठीक। और बहुत गजब के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप पूरी क्लास को बहुत आराम से देखोगे। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अगर यहां तक देखो तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस का एक भाग है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्लॉज। दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कंजंक्शन। सर बट क्या है, कंजंक्शन। इट क्या है, प्रोनाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब्यूज्ड क्या है, मेन वर्ब। टाइम्स क्या है, नाउन। कितनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो नाउन के बारे में बता रहे, तो मेनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इट इज अब्यूज्ड, इसका दुरुपयोग किया जाता है। अब्यूज का मतलब यहाँ पे दुरुपयोग करना है, ठीक। आपको ये कहिएगा कि सर हमें तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का कुछ आइडिया नहीं है, और आप पता नहीं क्या क्या बताते चल रहे हो। तो बेटा थोड़ी बहुत तो इंग्लिश में ऐसा है ना कि इतना करके चलना पड़ेगा, इतना तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुछ चीजों को ना जानते हुए कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। एवरीवन क्या है, प्रोनाउन। जब भी आ जाए, समवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, तो ये प्रोनाउन होते हैं, इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। एवरीवन वाज देयर, तो वाज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है ही नहीं, देयर क्या है, एडवर्ब। बट क्या है, प्रीपोजिशन। कैसे पता चला, सर अभी तो आपने बट को कंजंक्शन बताया था। पिछले तीन चार सेंटेंसेस में ये बात बताई है मैंने कि अगर बिफोर कंजंक्शन है तो बिफोर के बाद पूरी क्लॉज होगी। क्लॉज कह दो कि ये पूरा सेंटेंस ही होगा, तब वो कंजंक्शन हो पाया। नहीं तो वही बिफोर अगर नाउन खाली लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा था। यही चीज आफ्टर के साथ भी लागू होगी। अगर खाली आफ्टर के बाद नाउन लिखा गया है तो वही आफ्टर प्रीपोजिशन होगा, और उसी आफ्टर के बाद पूरी क्लॉज लिखी है तो वो कंजंक्शन होगा। यही बट के बाद पूरी क्लॉज लिखी है तो बट कंजंक्शन। बट के बाद प्रोनाउन लिखा हुआ है, और सर अभी आपने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद खाली नाउन और प्रोनाउन आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद, अब यहां से एक नया टर्म मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, आने वाले नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। ये बार बार कहता रहूंगा, दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये प्यार के घाव है। आइए देखते हैं कितना गहरा घाव है। दीज क्या है, सर प्रोनाउन है। आर क्या है, मेन वर्ब है। कैसे पता चला, कोई मेन वर्ब है ही नहीं सर, ठीक है। तो वुंड्स क्या है, सर नाउन है। कैसे पता चला, सर द आर्टिकल है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो लव क्या है, नाउन है। सेवरल पीपल, पीपल कितने पीपल, सेवरल पीपल, सर डिटरमिनर हो जाएगा, जो अभी आपने कहा ना एडजेक्टिव का पार्ट होता है नाउन को बताने के लिए। वर वुंडेड, वो घायल हो गए थे। वुंड यहाँ पे नाउन था, लेकिन उसी वुंड को वर्ब बना दिया है, टू इंजर, टू हर्ट, घायल करना, क्षतिग्रस्त करना। सर वर हेल्पिंग वर्ब है, वुंडेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई प्रीपोजिशन है, और सर आपने तो कह ही दिया है कि प्रीपोजिशन आ गया तो पक्का क्या आ जाएगा, नाउन। तो रॉक्स क्या हो जाएगा, नाउन। कौन से रॉक, फॉलिंग रॉक, तो फॉलिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सर पर मैंने तो फॉल का मतलब गिरना सुना है, और फॉल वर्ब होती है, तो ये तो फॉलिंग जो है वर्ब होनी चाहिए थी। तो मैं कहूंगा बेटा, अगर वर्ब किसी नाउन के बारे में, आईएनजी फॉर्म,
नाउन के बारे में बता रहा है तो वो वर्ब की एनजी फॉर्म वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है और उसका एक नया नाम है भीष्म पितामह जैसा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप जो बच्चे इतने देर तक बैठे होंगे वो बोर नहीं हो रहे होंगे, और अभी तो 25 और बचे अभी, तो इंतजार करो, अच्छी चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हाँ अगर कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी तो प्लीज़ परेशान मत होना, इसका 60% 70% 80% जितनी आपकी कैपेबिलिटी है समझो पे हो, क्योंकि ये है ही ऐसा क्लास। देख क्या है, प्रोनाउन है, लुक्ड एट द पिक्चर, तो लुक क्या है मेन वर्ब, नजर फेरना देखना, एट क्या है प्रीपोजिशन, सर पक्का आगे नाउन आएगा मैं समझ गया हूँ, द क्या है आर्टिकल इसी नाउन के लिए तो लगा हुआ है, एंड क्या है, अब समझ आया सर एंड कंजंक्शन है, सर इसके बाद तो सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है, अरे लिखा है दे लुक्ड एंड लाफ्ड, तो देखा और फिर यहां पे क्या है लाफ, ये भी क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब एक छोटी सी बात रह गई होगी, अगर मैं इस क्लास में बताने लगूंगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा ये क्लास। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कंजंक्शन जो है वो पूरी क्लॉज के पहले आ रहा था, यहाँ पे तो खाली एक वर्ब की फॉर्म आई है, इसको समझाने के लिए बस इतना बता दे रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा है ही प्लेड एंड कुक्ड फूड, तो खेला भी वही और खाना भी वही बनाया, तो ही कॉमन करके आगे कर लिया गया है, नहीं तो बात यही है कि ही प्लेड एंड ही कुक्ड फूड, दे लुक्ड एट द पिक्चर एंड दे लाफ्ड, तो बात समझ गए होगे, वो क्लॉज थोड़ा मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट, दे को कॉमन करके आगे कर लिया, अभी भी एंड क्या है कंजंक्शन है। आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, तो सर इन सेंटेंसेस में आप क्या बताना चाह रहे हो कि इतने फिर से वही सारी चीजें, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, कैसे कह दिया आपने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कहां है मेरे पास, सर लुकिंग मेन वर्ब की एनजी फॉर्म लिखी हुई है, यू क्या है प्रोनाउन है, स्टिल लुकिंग लुकिंग के बारे में बता रहा है सर, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, ए क्या है सर आर्टिकल है तो पक्का जॉब क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, सर फॉर क्या है सर फॉर प्रीपोजिशन है, ये बात सही है बट यहाँ पे लुक की मीनिंग नहीं है, यहाँ पे लुक फॉर की मीनिंग है सर, और इसका मतलब है सर्च करना, इसका मतलब है SERCH सर्च, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, क्या अभी भी तुम जॉब की तलाश में हो, तो पहली बार जो लुक लिखा था वो नजर डालने के चक्कर में था, अपनी नजर उस तरफ ले जाना, दूसरी बार लुक लिखा बस फॉर लगा दिया तो वो सर्च हो गया, इसी को फ्रेजर वर्ब भी कहते हैं, प्रीपोजिशन लगा के उसकी मीनिंग बदल जाना। ठीक, अगेन सी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, सेम सेंटेंसेस, लेकिन अब की बार कुछ चीजें आपको अलग बतानी है, इसलिए देखिए मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं और तीनों बहुत गजब की चीजें बताएंगी आपको, देते जाओ। सी क्या है सर प्रोनाउन है, लुक्ड क्या है मेन वर्ब है, एट क्या है प्रीपोजिशन है, तो पक्का आगे नाउन प्रोनाउन आएगा, सर मी क्या हो गया प्रोनाउन, सर आपने बताया है प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे, बोलते रहना इतनी बार। सर एंड क्या है सर कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन ही होता है वैसे, और ये क्या है वी टू, सर आपने तो कहा था कंजंक्शन के बाद पूरी क्लॉज आती है, भाई स्माइल किसने किया होगा, सी ने, सी लुक्ड एट मी एंड सी स्माइल, सी को कॉमन करके आगे लिख दिया, ठीक है भाई आराम मिला, आ जाओ। ही क्या है सर प्रोनाउन है, लुक्ड क्या है मेन वर्ब है, क्वाइट हैप्पी, सर यहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, उसने मेरी तरफ देखा, एक बार लुक फॉर का मतलब सर्च हो गया, एक बार लुक का मतलब देखना हो गया, यहाँ पे तो हैप्पी देखना तो हैप्पी को थोड़ी देखेगा, सी लुक्ड क्वाइट हैप्पी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं वो खुश दिखी, खुश प्रतीत हुई, तो ध्यान रखिएगा इसी लुक का मतलब प्रतीत होना भी होता है ना, टू अपीयर या टू सीम, प्रतीत होना, और जब ऐसा होगा तो इसके बाद जो हम जोड़ेंगे वो हमेशा जोड़ेंगे एडजेक्टिव, सी लुक्ड हैप्पी, सी लुक्ड सैड, सी लुक्ड रिच, ऐसे अलग तरीके से, तो हैप्पी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, कितना हैप्पी क्वाइट हैप्पी, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो क्या हो जाएगा एडवर्ब, द क्या है आर्टिकल, सर पक्का पैरेट्स क्या हो जाएगा नाउन, लुक्ड क्या हो जाएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सर ग्लम का मतलब होता है उदास, और अगर लुक्ड का मतलब प्रतीत होना, देखिए लुक का मतलब अगर देखना है तो अलग सेंस है, लुक फॉर एक अलग सेंस दे रहा है, लेकिन उसी लुक्ड में अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतीत होने का सेंस, उसके उसके सिचुएशन को बता रहे हैं, तो वो लुक्ड के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो ग्लम क्या हो जाएगा एडजेक्टिव,
और सर एक और बात बताऊं, अगर वेरी लगा हुआ है ना, वेरी लगा हुआ है तो 99% चांस है कि वो वेरी एडजेक्टिव के लिए लगा होगा, और वेरी क्या होगा? एडवर्ब। अभी इसी क्लास के आखिर में बताऊंगा वेरी एडजेक्टिव का भी काम करता है, बहुत कम चांसेस ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, नहीं तो ज्यादातर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पे वेरी को एडवर्ब बनाया हुआ हो और एडजेक्टिव के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है सर, ये आगे के सेंटेंसेस बताइए आपने क्यों लिखा है ऐसे। चलिए देखते हैं, 10 सेंटेंसेस और रह गए, थोड़ा धैर्य बनाइएगा। द क्या है? आर्टिकल, तो पक्का क्या आएगा? नाउन। कितनी प्रिंसेस? 8। तो 8 क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, संख्या बताने वाला। प्रिंस मैस्कुलिन है, प्रिंसेस फेमिनिन है, और प्रिंसेस का प्लूरल करोगे तो प्रिंसेसेस हो जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा। किम क्या है? मैंगो है। इन क्या है? अब की बार इन प्रपोजिशन नहीं है, इन एडवर्ब है, क्योंकि ये केम के बारे में बता रहा है, उस एरिया के बारे में। दे केम इन, कहां है? इधर है, तो वो एरिया बता रहा है, और इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। एंड क्या हो जाएगा? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कंजंक्शन, और ये बच्चा कह रहा है कि इसके बाद क्लॉज नहीं लिखी है, लेकिन मैं इसको समझाना चाहूंगा कि वो 8 प्रिंसेस अंदर आई और उन्हीं 8 प्रिंसेस ने लुक्ड एट हिम, तो यहां पे दोबारा द 8 प्रिंसेस लिखने की बजाय उसको कॉमन करके आगे लिख लिया गया है। लुक्ड यहां पे मेन वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, और सर अभी तो आपने बताया आज की क्लास में कि प्रीपोजिशन के बाद कंफर्म है कि नाउन और प्रोनाउन आएगा, और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पे ये प्रोनाउन आया है और ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। सर मुझे इसमें 2 सेंटेंस दिख रहा है दूर से ही, मैं तुमको पीटूंगा 1 सेंटेंस, तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे 1 सेंटेंस। और आपने आज की क्लास में ये बात बहुत अच्छे से समझा दी है कि अगर 2 सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है तो पक्का वहां पे एक कंजंक्शन आएगा। सर ये तो आपने अपने मन से देख के खुद ही बता दिया, मुझे नहीं आया। जितने सेंटेंसेस करते जाओगे 2-3 हजार सेंटेंसेस के बाद अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, और ये 2-3 हजार सेंटेंसेस मात्र आप 2-3 दिन में कवर कर सकते हो। यू क्या है? प्रोनाउन है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टीच यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। सर नॉट को एडवर्ब कहते हैं? हाँ बिल्कुल, टीच के लिए लगाया गया है। मी क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। विल क्या है? मॉडल है। अगर मॉडल आएगा तो पक्का मेन वर्ब की प्योर फॉर्म। बीट क्या हो जाएगी? प्योर फॉर्म। यू क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, ही जो है प्रोनाउन है। डिप्ड क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। किसका ब्रश? उसका ब्रश। तो ब्रश क्या हो जाएगा? नाउन। आपने बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे पक्का क्या आएगा? नाउन। सर इन यहां पे प्रीपोजिशन हो गया, मैं एडवर्ब इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये वर्ब के लिए नहीं आया है। प्रीपोजिशन के बाद आगे क्या है? नाउन। द क्या है? आर्टिकल, तो पक्का आगे क्या आएगा? नाउन। और आपने सर बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, और ये नाउन और प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। सी क्या है? प्रोनाउन है। ओपेड क्या है? मेन वर्ब है। द क्या है? आर्टिकल है, तो पक्का आगे डोर क्या हो जाएगा? नाउन। एंड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। वेंट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और इन क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अरे सर आपने इनको यहाँ पे प्रीपोजिशन बनाया, यहाँ पे एडवर्ब बनाया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन जो है ना इस वर्ब के बारे में बता रहा है, और जब वर्ब के बारे में बताएगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। गए कहाँ? गए इन, गए अंदर, गए तो वो एरिया के लिए ऐसा बन जाएगा। ठीक, चलो और कोई सेंटेंस है इसमें नीचे? नहीं। नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आज बस खत्म हो गए 4 सेंटेंसेस और। वन क्या है? प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, तो पक्का आगे नाउन आएगा, बिल्कुल। द क्या है? आर्टिकल। किड्स क्या हो जाएगा? नाउन। फेल क्या हो जाएगा? सर सेकंड फॉर्म है वी टू, फॉल फेल फॉलन। इनटू क्या हो जाएगा? सर प्रीपोजिशन है इनटू, और अगर प्रीपोजिशन है तो पक्का आगे क्या आएगा? नाउन। द क्या है? आर्टिकल। सर आपने बताया था प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। जोन्स, सर ये तो नाम है सर, नाउन है। फेल इन अगेन, अभी आपको बताया था जब लुक का मतलब देखना है तो अलग बात है, ही लुक्ड एट मी तो अलग चीज है, ही इज लुकिंग फॉर मी तो वो मेरी तलाश कर रहा है, लुक फॉर हो गया, अलग चीज हो गया। ही लुक्ड सैड, तो अब लुक्ड का मतलब प्रतीत होना, उसकी स्टेट बता रहा है। ठीक वही कंडीशन इस फॉल वर्ब के साथ होती है, जब फॉल का मतलब गिरना, ही फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिर गया, तो
फॉल का मतलब गिरना हो गया, फॉल फेल फॉलन हो गया, लेकिन फॉल का मतलब अगर प्रतीत होना, बिकम होना, सिचुएशन बताना, तो फॉल के बाद एडजेक्टिव आएगा। वह बीमार पड़ गया मतलब बीमार हो गया, मतलब उसकी सिचुएशन बताई जा रही है। तो फेल तो यहां पे मेन वर्ब है, बट ये मेन वर्ब क्या है, टू बिकम, हो जाना, टू बिकम, हो जाना। तो इल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कितना इल, सीरियसली इल, तो सीरियसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इन क्या है, प्रीपोजिशन, सर नवंबर नाउन हो जाएगा। ही क्या है, प्रोनाउन। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फॉलन क्या है, मेन वर्ब। अगेन फॉलन अस्लीप, सर अस्लीप क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसकी स्टेट बताया रहा है। ही हैज फॉलन अस्लीप, वो सो गया था, सो गया था, सो रहा था नहीं, सो गया था, तो उसकी स्टेट है, सो चुका है ना। ही हैज फॉलन अस्लीप। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। दो क्या है, आर्टिकल। तो पक्का सोफा क्या हो जाएगा, नाउन। और सर आप 50 बार बता चुके हो कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट ही चल रहा है, बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल 3-4 और बचे हैं सेंटेंस। द क्या है, आर्टिकल। तो पक्का आगे क्या हो जाएगा, नाउन। सर अगर किसी वर्ड के सफिक्स में TION आ जाए, इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन, सिचुएशन, सिचुएशन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन। इज क्या हो जाएगा, सर मेन वर्ब कर लो। क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है तो इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है सर, सीरियस क्या है, अभी बताया था, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ओएस लगा हो तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक तरीका जो वेरी है, आपने कहा था सर कि आमतौर पर जो वेरी है वो एडवर्ब ही होगा और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए आया होगा। तो सीरियस कितना सीरियस, वेरी सीरियस। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि क्लास के आखिर में बताऊंगा कि वेरी को हम एडजेक्टिव की तरह कब यूज करते हैं। दिस क्या है, तो सर ये प्रोनाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। बुक क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सी बुक, वेरी बुक, तो अब वेरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहां पे वेरी का मतलब है द सेम, ठीक वही बुक, कोई और बुक नहीं। तो दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी क्लास आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वही क्लास है, ठीक वही क्लास है जिसके लिए मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था। ठीक है, आई प्रोनाउन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग फॉर अगेन आ गया, सर्च करना, मंथ नाउन, और इसको बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर, एक तरह से है ना, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है डिटर्मिनर। द क्या है, आर्टिकल। वेरियर क्या है, नाउन। मेड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ए क्या है, आर्टिकल। अब इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूं, इतनी बार बता चुका हूं, क्लियर हो गया होगा। अगर आर्टिकल है तो पक्का आगे क्या होगा, नाउन। एफर्ट क्या हो जाएगा, नाउन। ट्रिमेंडस, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ओयूएस लगा हो तो एडजेक्टिव, एक तरीका। एफर्ट के बारे में बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव, ट्रिमेंडस, दूसरा तरीका। टू प्लंज, सर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने बताया था यहाँ पे टू जो है वो प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। ये टू प्लस प्लंज को इन्फिनिटिव कहा जाएगा सर, लेकिन अगेन अगर टू प्रीपोजिशन है तो हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फिर उस प्रीपोजिशन के बाद आगे क्या आएगा, नाउन आएगा। बॉटम क्या है, नाउन। द क्या है, आर्टिकल, किसके लिए, नाउन के लिए। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, पक्का आगे नाउन आएगा। द आर्टिकल है, पक्का आगे नाउन आएगा, और ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। आई क्या है, प्रोनाउन। एम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्यों, हंग्री वर्ब नहीं होता क्या, नहीं सर हंग्री वर्ब नहीं होता, हंग्री तो आपकी स्टेट बता रहा है, आई एम हंग्री, तो हंग्री क्या होगा सर, एडजेक्टिव। कितना हंग्री, बहुत हंग्री, तो स्टिल क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, आखिरी के 3 सेंटेंसेस हैं और बस क्लास खत्म। सी क्या है, प्रोनाउन। डाइव क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनटू सर प्रीपोजिशन है, आगे नाउन आएगा। द क्या है, आर्टिकल, सर आगे नाउन आएगा, इस प्रीपोजिशन के बाद ये वाटर नाउन है, और कैसा वाटर, स्टिल वाटर, तो अब की बार स्टिल एडजेक्टिव, शांत वाटर, स्थिर वाटर, तो वही स्टिल वहां पे एडवर्ब था और वही स्टिल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बन गया। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो पक्का आगे नाउन आएगा। सर लेक क्या हो जाएगा, नाउन। द क्या है, आर्टिकल, और आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। वी क्या है, प्रोनाउन। कैन क्या है, मॉडल। सर अगर कहीं मॉडल आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज, नीड, डेयर, विल, शैल, तो हमें ये बात एकदम दिमाग में रखनी है कि वर्ब की प्योर फॉर्म आएगी, एस और ईएस कुछ भी नहीं। तो सी क्या है,
मेन वर्ब की प्योर फॉर्म, द क्या है आर्टिकल, चिल्ड्रन क्या है नाउन। सर इस सेंटेंस को बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे इस सेंटेंस में जो आपने इसको लगा दिया। इन क्या है प्रीपोजिशन, द क्या है आर्टिकल, पक्का आगे क्या आएगा नाउन, और आने वाले प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन, उस प्रीपोजिशन का क्या बन जाएगा ये आप बोलिए ऑब्जेक्ट। सर इस प्लेइंग का क्या रोल है, क्योंकि पहले तो मैं इस सेंटेंस को देखा तो मुझे लगा यही प्लेइंग मेन वर्ब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन मॉडल है तो मॉडल के साथ सी मेन वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब नहीं है। प्लेइंग को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाएगा, जिसमें एक और नाम आएगा पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये, जैसे 2+V1 इंफिनिटिव आया था वो भी क्या था नॉन फाइनाइट वर्ब था। अब ये क्या होता है, ये क्लास पढ़ी हुई है, आप जाओ बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में तो उसी में एक नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लास पढ़ी है, उसको अगर देखना चाहो तो देख लो, बट अभी नहीं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ इसी क्लास को समझो और ये चीजें आगे समझ में आ जाएगी। अब बस दिमाग में रखना कि मैंने कोई टर्म सुना था, बस इससे अलग कुछ नहीं। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि सेंटेंस में कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि इसी को वो वर्ब मान लेते हैं और ये वर्ब नहीं है। आई क्या है प्रोनाउन। कई बच्चे पुट को मेन वर्ब कह देंगे, नहीं पुट मेन वर्ब नहीं है, आई सॉ यू मेन वर्ब तो यहां पे है, यू क्या है प्रोनाउन। तो पुट क्या है सर, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। द क्या है आर्टिकल, की क्या है आर्टिकल है तो पक्का नाउन होगा, इन क्या है प्रीपोजिशन, पक्का अगर प्रोनाउन नाउन है प्रोनाउन आएगा, योर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। सर आपने कहा था अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो पॉकेट क्या हो जाएगा नाउन, और ये नाउन या प्रोनाउन आने वाले इस प्रीपोजिशन पे क्या बन जाएंगे ऑब्जेक्ट। सर एक बार प्लीज बताइएगा, क्लास बहुत लंबी चली गई मेरे हिसाब से, 46 मैंने कहा था 45 मिनट 45 सेंटेंसेस पे और इतना होना ही था, अब और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत बोला लगातार मैंने और मुझे नहीं पता कि ये क्लास कैसी है। मैंने काफ़ी सोच समझ के ये क्लास बनाई थी, बहुत मेहनत की थी इस क्लास पे, बहुत सोचा था कि कैसे ऐसी चीज़ें डिलीवर की जाए। बीच बीच में मुझे खुद लग रहा था कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसको रोक देता हूँ, 25 सेंटेंसेस पे ही एक क्लास ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इस बात के लिए रखा कि नहीं नहीं जो कहा है वो करके दिखाना है। तो ये 45 सेंटेंसेस थे, इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊंगा और आपको सेंटेंसेस दूंगा, कम से कम 200-300-500 सेंटेंसेस तक ले जाऊंगा, इतनी बार बताऊंगा कि आप शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बाय हाथ का खेल, जस्ट है ना ऑन योर फिंगर टिप्स बिफोर यू कैन से जैक रॉबिन्सन। इससे पहले कि कोई जैक रॉबिन्सन कहे आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दोगे, यानी कि पलक झपकते ही इन अ फ्लैश। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने ये क्लास पूरी की है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या लगा आपको, क्या वो इतनी वर्थ हुई जितना मैं बता रहा था, या खाली मैंने बहुत ज़्यादा इसका मतलब एक माउंट एवरेस्ट जैसी बातें खड़ी कर दी और ऐसा कुछ है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर क्लास के बच्चे के लिए, क्योंकि ये किसी भी क्लास के बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो मैं इस क्लास में दे रहा हूँ। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं करना चाहता हूँ, जो हमें क्लास और स्कूल लेवल पे नहीं दिया जाता है और आगे चल के हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम इंग्लिश को समझना शुरू करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि चीज़ें क्लास 6 से ही क्लास 7 से क्लास 8 से कराई जाए। तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बोलने वाला हूँ, जैसा होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आपसे बात करता हूँ और आगे की क्लासेस प्लान करता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू।